सब्सक्राइब मंच टीवी ऑन यूट्यूब एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम मंच टीवी। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। टाउन हॉल में कुमार आलाणी ऐं उन्हनि जे परिवार जे पारां ब्राह्मण भोज रखियो वियो, जिते जजे अंदाज में ब्राह्मणनि अची भोजन वरतायो ऐं सभिनी खे आशीर्वाद ॾिनई। जी महाराज जी, जिस प्रकार से आज जो कि टाउन हॉल में कुमार आलाणी और उनके परिवार द्वारा जो कि कार्यक्रम का गया था, क्या कहेंगे उसके लिए और जानना चाहेंगे किस प्रकार का कार्यक्रम था? भाई, आज जो है बहुत भरा में भरा दिन है। जो कुमार आलाणी ने आज ब्राह्मणों का टाउन हॉल में भोजन रखा और ब्राह्मणों घरों ने उनके ऊपर अपनी आशीर्वाद प्राप्त की। ब्राह्मण भोजन माना अश्वमेध यज्ञ की प्राप्ति करनी है, क्योंकि कुमार आलाणी जैसे कहा जाए तो और भी बहुत सुंदर काम करती है। जैसे शहर में अपना जो हाथ में झंडा बुलंद किया है कि शहर को एक राह पे लाना है और शहर को सुंदर बनाना है, क्योंकि सबको मालूम है जो कुमार आलाणी कहता है वो करके दिखाता है। उन्होंने ये बहुत बड़ी खूबी है, नहीं तो नहीं कहता है, जो कहता है वो करके दिखाता है। हम तो यही आशा रखेंगे। आज उन्होंने मीना देवी के साथ, धीरज कुमार के साथ और सह जो भी उनके सब गण है भाई, उन्होंने जो भय भ्रम भोजन किया, ब्राह्मणों को भोजन खिलाया, हम तहे दिल से उनको आशीर्वाद करते हैं। जो भी हाथ में काम लिया है, भगवान करे उसको सुख प्राप्त होए, संपत्ति प्राप्त होए और शहर की जैसे तरक्की का संकल्प किया है, शहर हमारा तरक्की पे जावे। सभी भूदेवों की कृपा हमारे उल्लासनगर के ऊपर। भगवान गणपति जी के विसर्जन के पश्चात पितृ देवताओं की कृपा प्राप्ति करने के लिए देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ तीनों यहाँ संपन्न हुए हैं। देवताओं के स्वरूप में ब्रह्म देवता आए हैं, अतिथि के रूप में जो विप्रबंध जिन्होंने यहाँ भोजन प्राप्त किया और देवताओं की कृपा प्राप्त हमारे नगर की इस परम सुंदर सी इस स्थिति में भगवान की कृपा, हमें देवताओं की भी कृपा प्राप्त हो और पितरों की कृपा भी प्राप्त हो, क्योंकि कहते हैं पूर्वजों के बिना सन्मार्ग नहीं मिलता है। ये कहीं ना कहीं पूरे आलाणी परिवार की तरफ से उनके पूर्वजों का एक पुण्य आशीर्वाद आज उनके हाथों से संपन्न हुआ है, तभी भगवान की कृपा सब शहरवासियों के ऊपर बरसे। और हम सभी वृंद विप्र यही चाहते हैं कि नित्य प्रति नित्य नूतन सदा ही बने रहे, परमात्मा उनके हाथों में इतनी शक्ति दे, जिनके मन में भाव है सेवा का वह सेवा निरंतर चलती रहे। देखिए, आज कोई भी अच्छे काम की शुरुआत होती है तो ब्राह्मण भोज करके एक उनकी आशीर्वाद के हिसाब से हम इस शहर में आगे बढ़ते हैं। आने वाले समय में इस उल्लासनगर के लिए सुख शांति हो, उल्लासनगर की तरक्की हो, उल्लासनगर की जो धोखादायक बिल्डिंगें हैं वो बच जावे। हमारा एक ही लक्ष्य है उल्लासनगर में कोई भी बेघर ना हो। जो आज उल्लासनगर की स्थिति है कि जो रस्तों की हालत ख़राब है वो सीमेंट कंक्रीट कर्म की होनी चाहिए, जो धोखादायक बिल्डिंग है उनको चारे फिर मिलना चाहिए, शहर में भरपूर पानी मिलना चाहिए, बिजली की समस्या है या अन्य समस्या है, जहाँ जो व्यापार ठप पड़ा है व्यापार खुलने चाहिए। आज सभी चीज़ों के लिए हमें आशीर्वाद ब्राह्मणों से मिलती है। महाराज स्वामी आशीर्वाद करते हैं तो सब काम सिद्ध होता है। इस उल्लासनगर में हमेशा सुख शांति बनी रहे। आज सभी महाराजों से मैंने आशीर्वाद ली है कि उस उल्लासनगर में हमेशा सुख शांति बनी रहे और उल्लासनगर एक तरक्की के राह पे चले, उल्लासनगर में डेवलपमेंट हो, विकास हो, उल्लासनगर में जो भी दुखी है उनको सुख मिले, जो परिवार बिल्डिंगों में रहते हैं वो हमेशा खुश रहे, खुशहाल है, उनके ऊपर कोई नाफत नहीं आवे और उनकी जो बिजनेस की तकलीफें हैं, चाहे सर्विस की तकलीफ है या किसको जो भी परिवार की तकलीफ है, सबकी तकलीफें दूर हो। कोणार्क,
अपना शहर अपनी बातें। सब्सक्राइब मंच टीवी ऑन YouTube एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम मंच टीवी।